जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमने सोचा गर्मियां स्टार्ट हो गई तो क्यों ना गैस डाल लें। तकरीबन 1.5 घंटे का काम था, एक लो प्रेशर पाइप लीक था। अमूमन हाई प्रेशर पाइप लीक होता है, लेकिन आज पता लगा कि दोनों पाइप में से एक लीक हो सकती है, तो ठंडा है फुल पाइप और चेक करवाते हैं आपको बाद। यहाँ से करके जो है ना थोड़ी थोड़ी बहुत बुलबुला निकलता है, कोई गल वो देना साइड है ये इस साइड से कि हाँ वो देखें आपके सामने हो रहा है, ये जेन्युइन है, थोड़ा थोड़ा होता नहीं 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 थोड़ा बिल्कुल नहीं होने नहीं चाहिए। चलो ठीक है, छोटो जरा ये तो ये पाइप लीक लग रहा है, हाँ जी पंच पाइप। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। अच्छा इंतहाई माजर के साथ आज की वीडियो क्वालिटी बहुत ही माठी थी, बस मैंने सोचा यार जुमा पढ़ के एसी ठीक करवा लेते क्योंकि ठंडा कर नहीं रहा था, तो कोई ख़ास प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन अब बन गई, अब तो क्या करें, दिखाना तो है ना कि अपडेट्स हैं क्या। अच्छा हुआ ये था कि एसी बिल्कुल ठीक चल रहा था, तो चलते चलते ज़रा कम कूलिंग करने लगा, तो मुझे लगा कहीं से गैस शायद इसकी निकल गई है या कम हो गई है, क्योंकि कंप्रेसर तो चल रहा था, वो तो आप विजुअली इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, उसका क्लच घूम रहा था, कंडेंसर का फ़ैन भी ऑन था, टेम्परेचर भी गाड़ी की ठीक थी, तो इतनी बड़ी गाड़ी माशाल्लाह उसका एसी बहुत अच्छा होता है जब चलता है ना, तो इट्स अमेजिंग। ऊपर मेरा कंप्रेसर भी लगा हुआ है डबल वाला, जो 17 नंबर है ना, वो है बेसिकली उन क्रूजर्स के लिए जिनके रेयर में कूलिंग सिस्टम भी है, या मतलब डुअल एसी जिसे कहते हैं। तो मुझे शक नहीं था कि कोई चीज़ ख़राब हुई, गैस पे पहली मेरी गई है सुई, वहाँ पे जाके अटकी कि इस गैस कम है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं गया अपने ट्रस्टी एसी गाय के पास, ही वाज बिजी। तो आज मैंने एक और नया बंदा आजमाया और वो है एजाज साहब, और वो होते हैं वॉल्टन, और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, दिखाते हैं आपको भी। अच्छा अब रात का टाइम है, अब क्या करें, आपको वीडियो तो पूरी बना के दिखानी है ना। तो हुआ बेसिकली ये है कि हमने पहले तो गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है, कूलिंग चेक किया, तो यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ, ठीक है, जो बेल्ट ड्रिवन है, और ये इसको कहते हैं लो प्रेशर पाइप, उसको कहते हैं हाई प्रेशर पाइप, ठीक है। नीचे वाला जो ऊपर वाला पाइप है ना, ये जब चल रहा हो ना कंप्रेसर और एसी चल रहा हो, तो ये ठंडा होना चाहिए, ओबियसली बात है, अगर तो ये गर्म है तो इसका मतलब कि गैस कहीं से लीक है या कंप्रेसर चल नहीं रहा। इसके आगे लगा होता है क्लच, इसको कहते हैं क्लच, इस पार्ट को, जब आपका कंप्रेसर ऑन होता है ना तो ये घूमता है इस पुली के साथ, अगर कंप्रेसर ऑफ है, बटन ऑफ है, तो ये नहीं घूमेगा, लेकिन ये वाली पुली ऊपर वाली घूमेगी, ठीक है जी। अब आते हैं पाइप्स की तरफ, ये वो पाइप है नीचे, पता नहीं आप देख सकते हैं कि पहले आपने वो दिखा चुका हूँ, जो उसको हमने रीपंच करवा के फिट किया था, यहाँ से एक बोल्ट खोला था 10 का 12 का, और यहाँ से ये हल्का सा लीक था। अच्छा ये जो लो प्रेशर पाइप है ना, ये इतनी आसानी से लीक करता नहीं होता, हुआ ये था बेसिकली कि इंजन डिग्रीसर्स और इंजन क्लीनिंग ओवर टाइम, ये जेन्युइन पाइप बेसिकली था जो लीक हुआ है, और उससे पहले जब भी मैंने काम करवाया ना, तो वो था इस पाइप का हाई प्रेशर पाइप, कहते हैं ये जोड़ लगा हुआ है, बाहर से पाइप्स आते हैं बनी बनाई मशीन पंच्ड, उनको लेके आगे ये जोड़ लगा देते हैं और बड़ा अच्छा कनेक्शन बन जाता है, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। इस केस के अंदर ये हैंड पंच हुआ है, ठीक है। अब उसके साथ साथ आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पाइप्स भी खुले थे, क्योंकि इसके अंदर से जो कंप्रेसर का ऑयल है, जब आपका कूलेंट कम हो जाता है ना, कूलेंट कह रहा हूँ, जब एसी का गैस कम होता है तो जो ऑयल होता है कंप्रेसर के अंदर वो भी निकल जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल ऑयल होता है, उसका नंबर मुझे भूल गया हुआ है, लेकिन वो अगर ऑयल मौजूद ना हो तो कंप्रेसर के जलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर अंदर फ्रिक्शन होती है तो ऑयल की मदद से ये रवा रहती है, ठीक है। तो उस ऑयल को पूरा करने के लिए उन्होंने ऑयल डाला, और उससे पहले उन्होंने सिस्टम पूरा फ्लश किया ऑयल के साथ ही, लेकिन कुछ लोग पेट्रोल से करते हैं, एसिड से करते हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों से करते हैं, मैं तो सिर्फ ऑयल से फ्लश करवा के काम चला लिया, ठीक है। कंडेंसर आपको नज़र नहीं आएगा इस वक्त, रात का टाइम है, लेकिन मेरी मान ले एसी काफ़ी ठंडा हो गया, तो अब और कुछ चीज़ दिखाने वाली रह नहीं गई, तो आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं कि ये कितना फ़र्क पड़ता है ज़्यादा गैस डालने से। अच्छा अब आते हैं गाड़ी की तरफ,
कुछ काम मैंने आज उस्मान भाई से भी कराए हैं जो हमारे ट्रस्टी इलेक्ट्रिशियन है होल्टन रोड पे। उन्होंने आज क्या करके दिया आपको दिखाते हैं। लाइट तो ऑन कर लेंगे। अच्छा, उन्होंने बेसिकली आज क्या किया जी, एक तो फॉग लाइट्स इंस्टॉल किए हैं H3 वाली, देखें ज़रा। नहीं जी, वेलकम बैक। एक और चीज़ रह गई थी, ये डैश कैम इंस्टॉल हुआ था, ये रह गया था पिछली दफ़ा, बोनट खोला था आपको नज़र नहीं आ रहा, तो नया डैश कैम इंस्टॉल हुआ और ये मेरे पास ट्रस्टी यूनिटी का पड़ा हुआ है एनेमोमीटर जो भी है, समझ जाओ आप यार। चलो ये चेक करें, अभी हमने लगा के इसको छोड़ा हुआ है, देखते हैं ये क्या रीडिंग देती है, ऐसा शायद बेहतर रहेगा। आते एक मिनट के बाद जी, देखते जाएं आप बस इसको। फैन की स्पीड आप देख सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजर मुझे नहीं पता, बाद में पूछेगा, लेकिन इस पे ये 6 आ रहा है और इट्स कम डाउन टू 21.5 डिग्रीज सेल्सियस। तो कंसिडरिंग कि इस वक्त गाड़ी गर्म है, राउंड अबाउट 80 और डिग्रीज, ठीक है, ये ना कहें गाड़ी ठंडी है, अभी बाहर से आई है, और जो एम्बियंट टेम्परेचर आउटसाइड इज़ राउंड अबाउट आई थिंक 29 या 30 होगी, लेकिन जस्ट टू बी फेयर अबाउट इट, अभी तो ये गाड़ी स्टार्ट किया है और इसको सामने लगाया है तो कुछ टाइम तो लगता है इसको ना ठंडा करने में, फौरी तौर पर तो ठंडा है, मुझे फील हो रहा है, लेकिन आई थिंक इट शुड गो डाउन टू अराउंड अबाउट 18। अब कितनी देर में जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, उसके अलावा याद होगा आप लोगों को, लास्ट टाइम हमने उस दरवाजे का मोटर चेंज किया था और आज हमने सोचा कि यार इसका भी क्यों ना करवा लें। अब देखिए ज़रा मोटर चेंज करने से फ़र्क कितना पड़ता है। ओ माई गॉड, ओए यार कमाल हो गया, सारे मिलके भाई बोले माशाल्लाह। ओ हो, शीशा कैसे रवा मक्खन की तरह चढ़ता है। तो अगर आपको इशू है अपने एग्जिस्टिंग पावर विंडोज़ के साथ, तो सिंपली इसके मोटर यार नहीं डलवा ले किसी टोयोटा का, एक्वा का या किसी नई गाड़ी का, तो लाजिम बात है वो कम एम्प्स में ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।